एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मेरे पास में है महिंद्रा की स्कॉर्पियो NZ4। पेट्रोल में है ये और इसका जो ब्लैक कलर में हमारे पास अवेलेबल है। ये मेरी पर्सनल गाड़ी हमने अभी कुछ टाइम पहले खरीदी है। इसकी डिलीवरी की वीडियोस वगैरह सब आ जाएंगी बहुत जल्द। बट आज हम इसका करने वाले ओनरशिप एक्सपीरियंस और मैं आपको स्पेशल टिप्स दूंगा जिससे आपको मिल सकता है 75,000 तक का डिस्काउंट। मुझे मिला है और एक हफ्ते में गाड़ी डिलीवर भी हुई है, तो इसकी कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो यार शुरू करते हैं वीडियो को और आओ यार बिना किसी बकवास के शुरू करें। तो गाइस जनरली अब मैं इस वीडियो में डिटेल वॉक अराउंड नहीं देने वाला हूँ, वो आप दूसरे चैनल पे देख सकते हो। इसमें मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि Z4 में क्या चीज़ डिफरेंट मिलती है दूसरे अपर वेरिएंट से। तो आपके यहाँ पे डिफरेंस मैं दिखा दूंगा ताकि आपको भी बराबर रहे कि अगर आप शोरूम जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे Z4 अवेलेबल नहीं हो, जैसे कि मेरे टाइम पे Z4 नहीं थी तो फिर मुझे ऑनलाइन ही सपोर्ट लेना पड़ा। तो आपको डिटेल में डिफरेंस जरूर बता दूंगा। तो डिफरेंस से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं चाबी से। तो ये है, इस तरह की मिल जाएंगी आपको। जितने भी लेटेस्ट गाड़ी है महिंद्रा के सारों में सेम मिलेगा, चाहे वो XUV हो या स्कॉर्पियो, यहाँ पे लोगो मिल जाता है। और पीछे फ्लिप की मिलेगी, इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आपको अनलॉक मिल जाएगा और यहाँ से आप इमरजेंसी लाइट्स लगा सकते हैं। ये एक एसेसरी है जो मुझे कंपनी वालों ने दिए, शोरूम वालों ने, तो ऐसे आपको भी मिलेंगे अगर आप खरीदते तो, नहीं दिए तो उनको मारना और ले लेना उनसे। और यहाँ पे अगर मैं इमरजेंसी बटन दबा के रखता हूँ तो यहाँ पे आपको लाइट्स दिख जाएंगी। पहले इसको अनलॉक करते हैं, ये अनलॉक हो गई और यहाँ पे लाइट्स शुरू हो गई है। अगर आप कैमरामैन जूम करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा हैलोजन स्ट्रिप मिलती है। ये भी पूरा हैलोजन है, बट जो यहाँ पे इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो है नीचे आपको फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग मिल जाती है। ये पूरी पैक है क्योंकि इसमें आपको LED का कुछ DRL वगैरह नहीं मिलता है, तो आप फॉग लैम्प बाहर से लगा सकते हैं। उसकी प्राइस अराउंड 17,000 तक की आ जाती है, तो आप बाहर से लगा सकते हैं। OEM मिल जाता है, करोल बाग से देख लेना। और ये साइड में आएंगे हम तो यहाँ पे आपको सिल्वर ग्रिल मिल जाती है, सिल्वर फिनिश में मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी क्रोम नहीं मिलेगा, टॉप मॉडल में आपको क्रोम मिल जाता है। ये लोगो है ये सेम होता है। यहाँ पे कोई आपको कैमरा, फ्रंट कैमरा नहीं देखने को मिलता। सेंसर्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते, वो आप बाद में लगवा सकते हैं दो सेंसर्स। इसके बाद आपको पूरी यहाँ पे फ्रंट कैबिन मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड में, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल नहीं, एडजस्टेबल है पर यहाँ पे आपको फोल्डिंग अनफोल्डिंग नहीं है, तो आपको हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा। पर ये अंदर से इसे एडजस्ट आप कर सकते हैं। यहीं पे आपको जो है इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगे। या साइड में आए तो यहाँ पे कोई भी सेंसर्स उस टाइप के नहीं, जहाँ पे आप टच करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको की लगानी पड़ेगी, बट अगर आपके पास में कीलेस वाली एंट्री है, लाइक जैसे कि मैंने आपको दिखाया था मेरी फोल्डेबल की, तो फोल्डेबल की से आप इसको अगर अनलॉक करते तो ये खुल जाएगा। तो इस साइड से आपको मैं दिखाऊंगा, बट अंदर आपको थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे, पहले आपको बाहर का वॉक अराउंड करा देंगे हम। तो आइए सर, यहाँ पे आपको व्हील्स के तरफ ध्यान दे तो आपको 17 इंच के मिल जाते हैं टायर साइज। यहाँ पे आपको कोई अलॉय देखने को नहीं मिलता है। इसके अपर वेरिएंट में भी जो इसका Z6 आता है उसमें भी अलॉय नहीं मिलेंगे। आप अलॉय लगा सकते हैं, 40,000-50,000 के अराउंड आपको 4 अलॉय पड़ जाएंगे। 17 इंच का टायर है, एक स्पेयर व्हील है वो 16 इंच का मिलेगा, तो 1 इंच छोटा स्पेयर व्हील होता है। तो इसमें आपको डिफरेंस बैक साइड में ये मिल जाएगा कि आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता है। Z6 में भी कैमरा नहीं है, सिर्फ टॉप मॉडल में है। तो आप जो है ये पूरी स्ट्रिप देख रहे हैं, ये पूरा पैनल जो है ये चेंज होता है, कंपनी वाले ही करते हैं। अराउंड 7,000 में आपको ये पैनल चेंज करेंगे और आपके यहाँ कैमरा लग के मिल जाएगा, सेंसर्स मिल जाते हैं, बाकी सब सेम है। ये पूरा LED मिल जाता है। अगर आपको बैक साइड की स्पेस दिखा देते तो ऐसी कुछ स्पेस मिलती है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, ऐसे मेरे जैसा इंसान बैठ सकता है टाइम पास के लिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ नीचे में कुछ इमरजेंसी के लिए टूल्स मिल जाते हैं, ये टूल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सीट्स मिल जाते हैं जो फोल्ड हो जाती है, यहाँ पे अपना सामान जो है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मैंने ये कवर लिया है, ये बॉडी कवर, ये आपको सिल्वर कलर में मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी अच्छी है, 2,220 रुपये इसका एग्जैक्ट प्राइस है विद GST, इतने का ही आपको पड़ेगा। विद MRP प्राइस है, इससे ज़्यादा पड़ेगा नहीं, कहीं से भी लो आप। पीछे आपको थोड़े यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, और पीछे आपको कप होल्डर मिल जाता है, मोबाइल होल्डर मिल जाता है, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको जैक के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ वैक्यूम क्लीनर वगैरह कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, बाद में यहाँ पे आप फोल्ड करके भी सामान डाल सकते हैं। तो इस साइड से आपको पूरा पीछे का लुक मिल जाता है, ये इस साइड का भी मिल जाएगा। नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे आपको, या टो करने के लिए भी आपको जगह मिल जाती है, पीछे से कोई टो कर रहा है तो मतलब आप पीछे लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में साइड से आए तो आप लोगों को पेट्रोल है, तो पेट्रोल का यहाँ पे कैप मिल जाएंगी, आप यहाँ पेट्रोल भरवा सकते हैं यहाँ से भड़वे। इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं तो आपको इंक्लूडेड ये रूफ रेल मिल जाती है। रूफ ये कि इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ पे वो सामान आप डाल नहीं सकते।
यहाँ पे आपको फुट स्टेप मिल जाता है, काफ़ी स्टेडी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाता है। ये साइड में आए तो ओवरऑल लुक्स जो है आपको सेम देखने को मिलती है। अब हम जाते हैं इंटीरियर्स में, आपको इंटीरियर्स में आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट की, तो यहाँ पे आपको जो है सीट एडजस्टमेंट लंबा सपोर्ट मिल जाता है, बाकी दूसरे कार्स में देखने को नहीं मिलेगा ये सपोर्ट। इसके बाद में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल जगह हाइट एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिकल एडजस्टेबल नहीं है, आपको मैन्युअली ही ये करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको जो बेसिक ये मिल जाता है, आपको टिल्ट एडजस्टमेंट वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आप गाड़ी को जो है आगे पीछे तो इधर से नीचे से कर ही सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है सीट के एडजस्टमेंट को हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर वाइज की, तो यहाँ पे आपको डोर्स के एक आपको अप डाउन वन टच ये मिल जाता है, अभी गाड़ी बंद है बट चालू हो गया, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे आप वन टच कर सकते हैं अप डाउन, कैमरामैन शांत रहिए। उसके बाद आपको बाकी सब जो है नॉर्मल पावर विंडोज़ मिल जाते हैं, वन टच सिर्फ यहाँ पे आपको ड्राइवर सीट के लिए ही मिल जाएगा। लॉक अनलॉक की बटन मिल जाती है, ये बटन जो है ये डोर अनलॉक के लिए चाइल्ड सेफ्टी वाली बटन नहीं है। इसके बाद में जो है ओआरवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ मिल जाती है। ये डेमो बटन है, ये कुछ काम की नहीं है, तो ये आप इससे वर्क नहीं कर सकते। जो अगर आप इसको फ्यूचर में अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपको फोल्डेबल अनफोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिकली करना है, तो ये बटन का यूज़ करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर के लिए हाउसिंग मिल जाती है, आपको 4 स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, कोई ट्विटर नहीं है। ट्विटर लगाने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस दी गई है, यहाँ पे आप बाद में 2 ट्विटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो Z6 में शायद 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाते हैं, तो बाद में आप जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, ये काफ़ी स्टेडी है, इसको पकड़ के आप अंदर बाहर कर सकते हैं, मतलब अंदर बाहर कर सकते हैं। तो हालांकि जनरली में ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, बट जो लोग छोटे लोग हैं 4 फीट के 4.5 फीट के उन लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, हम हाइटेड है हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स मिल जाती है आपको, कोई भी आपको लेदराइट नहीं मिलेगा, या आपको Z6 में भी नहीं मिलेगा, तो आपको बाहर से कुशिंग वगैरह करानी पड़ेगी। और ये सीट बेल्ट है, ये भी कोई एडजस्टेबल नहीं है, जो हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, बट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं हम जल्दी से, तो ये तरह चाबी है, यहाँ पे आपको ये इल्यूमिनेशन मिल जाता है, तो रात के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे ये मैं की लगा देता हूँ, तो ये गाड़ी चालू हो चुकी है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स बता दूँ, तो यहाँ पे आपको क्रूज़ का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, Z4 से आप क्रूज़ भी लगा सकते हैं, क्रूज़ काफ़ी प्रैक्टिकल है, मैंने अभी ही ट्राई किया। और यहाँ से आप जो है इस बटन से यहाँ पे आप इसके सेटिंग्स जो मीटर के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप क्रूज़ सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम जो है इस मीटर की सेटिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, क्रूज़ रिज्यूम होते हैं। तो ये पूरा क्रूज़ का कंट्रोल है और ये पूरा सेटिंग का कंट्रोल है। ये आपको हॉर्न मिल जाता है, ये न्यू लोगो मिल जाता है। या लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स वॉल्यूम के, इंफोटेनमेंट के मिल जाते हैं, लाइक यहाँ से आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप मोड चेंज कर सकते हैं, FM मोड हो गया, या फिर आपका ऑटो एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले हो गया, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ से आप गाने चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉल उठा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको पूरे जो बेसिक कंट्रोल की ज़रूरत है तो वो मिल जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको कुछ खाली नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी फीचर वाली है और जेन्युइनली आपको जो ज़रूरत की चीज़ें सब मिले हुए हैं। तो अब इस साइड में आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है लाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। ये जो आपको स्विच दिख रहा है ये फॉग लैम्प का स्विच है, ये जनरल अभी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज फॉग लैम्प इंस्टॉल नहीं है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में आप जैसी कंपनी से हो गया है बाहर से आप फॉग लैम्प लगाएंगे, तो आपको ऑलरेडी स्विच मिल जाता है, तो इससे आपको जो है कोई वायर कटिंग वाला कोई दिक्कत तो है ऐसे देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ से आप इल्यूमिनेशन कर सकते हैं, यहाँ से आप हेडलाइट चालू कर सकते हैं, इंडिकेटर्स दिए गए हैं, बेसिक फीचर्स है, यहाँ पे आप दे सकते हैं अपर डिपर जो भी देना है वह दे सकते हैं। और ये हो गए लाइट्स के स्विच। ये लेफ्ट साइड में आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे, सेम मिलेगा लाइक रेयर वाला वाइपर का हो गया या फ्रंट हो गया, वो सब सेम मिलने वाला है, तो ये एग्जैक्ट न्यू नहीं है इसमें। इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे मीटर मिल जाता है, ये सेमी डिजिटल मीटर है, यहाँ आपको एनालॉग मिलेगा जो RPM मीटर है और जो किलोमीटर पर आर की स्पीड, ये स्पीडो मीटर है, सब सेम मिलेगा। बट आपको फ्रंट में यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेंगे, लाइक आप फ्यूल देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी अभी बंद है करके मैं आपको दिखा देता हूँ चालू करके। ये आपको माइलेज जो है अभी 9 की दिखा रहा हूँ बिकॉज मैंने इसे अभी तक प्रॉपर हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव नहीं की है, मैंने थोड़ा बहुत 10 किलोमीटर चलाया है इसे हाईवे पे, तो उस हिसाब से 9 किलोमीटर की रेंज आ रही है। न्यू गाड़ी अभी तक सर्विस नहीं हुई है, तो मेरे हिसाब से सिटी में ये दे देगी अराउंड 7 की और 12-13 की मैं हाईवे पे मिल सकती है। मैं लॉन्ग रूट करूँगा तो आपको कन्फर्म नंबर बता सकता हूँ। उसके बाद में जो है बाकी आपको सेटिंग मिल जाती है, अभी इसमें 105 किलोमीटर और डिस्टेंस टू MT देख सकते हैं, अभी 25 डिग्री सेल्सियस इंटीरियर का टेम्परेचर है। या आपको ट्रिप की सेटिंग्स मिल जाएंगी, फ्यूल की
सेटिंग मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर वगैरह, तो बेसिक फीचर सारे इसमें मिल जाते हैं। तो उसके बाद में हम आ जाते हैं इन्फोटेनमेंट में। तो यहाँ पे आपको 8 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है Z4 और Z6 में। यहाँ पे आपको एलेक्सा और गूगल का असिस्ट नहीं मिलता है, उसके अलावा सब कुछ सेम है। बाकी दो ट्विटर ऐड हो जाते हैं, इसमें ट्विटर नहीं है, और बाकी सब सेम मिल जाता है Z6 से आपको। यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाता है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो आपको खुद से जो है टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये सबका टेम्परेचर सेम होता है। यहाँ से आप जो है ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से आप वॉल्यूम को बड़ा कम कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ये इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स है। टच इसका डिसेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। होम पे आ गए, म्यूजिक पे आ गए, तो आप देख सकते हो अच्छा है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, लैग नहीं है कोई अभी भी। मैं जितना मैंने यूज़ किया है तो लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला, तो इट्स गुड। और यहाँ से आप इको सेंस यहाँ पे दिख जाता है, आपने गाड़ी कैसी चलाई ये आपको पूरा दिख जाता है, आपको माइलेज कितना मिला था, 7.3 का मिला था मुझे जब मैं सिटी में था, ये वो दिखा दिया। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे यहाँ अराउंड 9 to 10 किलोमीटर चला के आया हूँ, तो मैं उस हिसाब से मुझे 9 का माइलेज मिला है। तो ये इस टाइप से आपको पूरा दिखा देता है, आपको ब्रेकिंग वगैरह दिखा था कितनी बार ब्रेक किया है, स्पीड क्या थी टॉप मेरी, तो ये सब आपको चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये पूरी आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और कुछ नहीं है। 4 स्पीकर, यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाते हैं, फ्रंट ग्रिल, AC अच्छा है जो अपना काम कर लेता है, अच्छा एक्सट्रीम नहीं है। मैं अभी तक 2 पे ही चलाता हूँ, 2 के ऊपर कभी गया ही नहीं मैं, तो AC इसका काफ़ी अच्छा है। मिरर पे आते हैं ऊपर, तो ये आपको मैनुअली कंट्रोल डे एंड नाइट मिरर मिल जाता है, आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, शायद टॉप मॉडल में मिलता हो मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाता है। ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ से आप अपना जो है सनग्लासेस रख सकते हैं, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है। ये डेमो बटन है, ये सनरूफ के लिए होता है, Z6 में आती है तो उसके लिए है। और ये माइक है, तो यहाँ पे माइक लगा सकते हैं। ये आपको जो है अपने धूप से बचने के लिए है, या वैनिटी मिरर कोई भी नहीं है, या कोई भी टिकट होल्डर नहीं है, तो इसकी ज़रूरत थी ये नहीं दिया, तो ये यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिलता है, तो वो भी आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये लेदर है, बट ये लेदर नहीं है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलता है, हार्ड प्लास्टिक की स्टिचिंग वगैरह ये पूरी शो के लिए है, बट आपको प्रीमियमनेस ज़रूर फील होती है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा चीप प्लास्टिक देखने को नहीं मिलता, ये भी आपको फिनिश जो है काफ़ी अच्छी फिनिश देखने को मिल जाती है। और बाकी उधर साइड में तो सेम ही कंट्रोल्स है, उसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ग्रैब हैंडल वगैरह भी है। और पीछे के साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाती है, कि यहाँ लाइट है, एक बैक साइड में लाइट है, लाइट जो है आपको LED मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको कोई बेस मॉडल नहीं है, तो बेस मॉडल वाले कोई फीचर नहीं मिलते, अच्छे वेरियंट जो अच्छे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको जो है हैंड रखने के लिए हैंड रेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पेस कम है यार, और होनी चाहिए थी, और बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे और डीप इसको बना सकते थे, पर नेवर माइंड। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, रिवर्स करेंगे ऊपर करके कोई आपके पास सेंसर्स मिल जाएंगे, बट कैमरा नहीं मिलेगा तो उसका ध्यान रखिएगा। ये रहा ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आपको कूल वाला मिलेगा, तो ये याद रखिएगा, कूल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, तो ये आपको मिल जाता है। पीछे में आपको जो है सेम चीज़ें मिलती है जो बाकी वेरिएंट से मिलती है, वैसे ही आपको सेम फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्लोअर मिल जाता है जो बाकी वेरिएंट्स में भी आता है, तो AC के लिए आपको ये मिल जाएगा, इससे सब पूरा कूल हो जाएगा, तो ओवरऑल इसका इंटीरियर आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया डिटेल वॉक अराउंड, Z4 का डिफरेंसेस मैंने बता दिए है, ओवरऑल मैंने वॉक अराउंड नहीं किया है, लाइक सीटिंग का, पोस्चर वगैरह वो सब आप बाद में देख सकते हैं, जो बाकी गाड़ियों में भी, बाकी मॉडल्स में भी सेम होता है, तो उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। जो फीचर्स होते हैं वो सारे डिफरेंसेस मैंने एक टू एक कट टू कट बता दिए, तो ये आपको डिफरेंसेस जो है देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जिसके लिए आप ये वीडियो शायद खोले भी होंगे, तो ये आपको बता देता हूँ कि डिस्काउंट जो है मुझे कितना मिला और ये डिलीवरी टाइम मुझे कितना लगा। तो Z6 मैंने 13 फरवरी को मैं गया था शोरूम में XUV देखने, XUV अवेलेबल नहीं थी देखने के लिए, तो मुझे Z6 देखने को मिली थी, सेम कलर सब कुछ सेम था, गाड़ी दिखने में बोनेट पूरा दिख रहा था और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तब मैंने सेल्समैन से बात की तो उन्होंने कहा कि गाड़ी अवेलेबल है, जो 2024 वाला वेरिएंट था, यानी कि जब 2024 में इनके पास यार्ड में गाड़ी आई थी, उसका था प्राइस 18,55,000। ये है चंद्रपुर महाराष्ट्र, 442401 पिन कोड भी बता दिया, यहाँ का ये ऑन रोड प्राइस है 18,55,000। तो ये उन्होंने मुझे प्राइस बता दिया था, इसमें पूरा RTO इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूडेड था। तो लेकिन मुझे जो वेरिएंट चाहिए था वो पेट्रोल में चाहिए था, तो उनके पास एक यार्ड में पेट्रोल की गाड़ी अवेलेबल थी जो 2023 दिसंबर की थी। आप फिर से सुन लो, 2023 दिसंबर में उनके पास आई थी, ये उनके यार्ड में थी, तब ये पेट्रोल के अराउंड 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया था, 1 या 1.5 महीना हो गया था उनके पास यार्ड में आके। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर आपको 23 रजिस्टर्ड गाड़ी चलती है
तो आप वो ले लो, उसमें आपको आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने दिसंबर की थी, इसलिए मैंने दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी ली है। पीडीआई मैंने पूरा किया हुआ है, इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा बहुत जल्द। तो पीडीआई मैंने पूरी की है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फर्क इतना है कि ये दिसंबर की 2023 की मैन्युफैक्चरिंग है। डिस्काउंट की बात करूँ तो मुझे इस पे अराउंड 50,000 का डिस्काउंट मिला था रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। बाद में मैंने और फोर्स करके 25,000 का और डिस्काउंट ले लिया, जिसमें जो है 1,07,000 का इसका इंश्योरेंस था वो कट होके 80,000 के अराउंड, मैंने 82,000 के अराउंड, एक्यूरेट बताता हूँ, 82 का इंश्योरेंस मेरा कर दिया था। तो इस हिसाब से मैंने अराउंड इसमें 75,000 रुपीस बचाए हैं। आप भी बचा सकते हो। और इनके पास ओल्ड मॉडल, ओल्ड भी नहीं बोलूँगा, 2023 दिसंबर का मॉडल, उसके बाद भी कोई आया नहीं है, नया वेरिएंट आया नहीं है, तो ये लेटेस्ट ही वेरिएंट है। बस फर्क इतना है कि उनके पास शोरूम में दिसंबर में आया। तो ये दिसंबर की गाड़ी है 2023 की। तो अगर आपको भी जल्दी डिलीवरी टाइम चाहिए या फिर आपको जो थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, जनरली डिस्काउंट भी नहीं मिलते और डिलीवरी टाइम भी कम नहीं होता। 13 तारीख को मैंने लिया और मुझे अराउंड कितने दिन में, थर्सडे को मैं गया और 6 दिन में मुझे गाड़ी मिल गई, तो 6 दिन में डिलीवर हो गई है। ब्लैक कलर में ही चाहिए थी, तो मैंने कुछ भी एडजस्ट नहीं किया कि मुझे दूसरा कलर चाहिए था, मुझे जो चाहिए था वही मुझे मिला। तो आपके लिए यही बेस्ट मेरा टिप रहेंगी। तो आप जब जाएंगे, अगर आप बड़ी सिटी में 2-3 शोरूम्स होते हैं वहाँ पे, तो आप पूछिएगा कि उनको अगर 1-2 महीने पुरानी या दिसंबर की मैन्युफैक्चरिंग डेट वाली गाड़ी होंगी तो आप वो उठा लीजिए, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, गाड़ी की क्वालिटी भी चेक कर लीजिएगा और आपको सब कुछ जो है बेटर देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरी टिप थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं आया तो भी कर देना। गरीब का चैनल है, सपोर्ट मिलता है, कैमरामैन के लिए एक डिसलाइक तो बनता है, उनके चैनल पे हमारा कुछ इसमें लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एनी कमेंट्स, एनी डिस्कशन, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस रहे, क्वेरीज रहे, आप डिस्कशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी दी रहेगी पूरी गाड़ी के बारे में, तो वो सब आप मुझे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलता हूँ मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो के साथ। बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है तो बहुत सारे वीडियोज़ बनाएंगे। लेट्स गो एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक यू।